गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू EVS एंड एवरीवन टेक आउट योर बुक हेल्दी प्लैनेट। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ वर्किंग टुगेदर। मैंने आपको इस चैप्टर की रीडिंग करवाई थी और मैंने बताया था वर्किंग होता है काम करना, टुगेदर मतलब एक साथ। तो एक साथ हम सब फैमिली मेम्बर्स किस तरह मिलजुल के रहते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, मम्मी पापा बच्चों के लिए क्या करते हैं, बच्चे मम्मी पापा की कैसे हेल्प करते हैं, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में रीड किया था। और आज मैं आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह से आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में ये काम करना है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने लेसन नंबर 7 तक अपना वर्क जो है कंप्लीट किया था। ये लेसन नंबर 7 के इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स हैं। जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया है वो इस वीडियो की हेल्प से इसे कम्प्लीट कर सकते हैं। और ये हैं लेसन नंबर 7 के आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपने ये वर्क नहीं किया है तो आप इसे भी कंप्लीट कर लेंगे, बट किया हुआ है तो करने की ज़रूरत दोबारा नहीं है। चलिए अब मैं आपको लेसन नंबर 8 की जो हमारी वर्ड मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स है वो एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप आज की डेट डालेंगे, दैट इज़ 27/8/20, और लेसन नंबर एट लिख के वर्किंग टुगेदर लेसन का नाम लिखेंगे। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना। इंट्रोडक्शन यानी इस चैप्टर का क्या परिचय है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं या हमने क्या पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी हेल्प ईच अदर इन द फैमिली। इस चैप्टर में हम सीखेंगे, लर्न मतलब सीखेंगे, हाउ वी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की फैमिली में, एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे। न्यू वर्ड्स, आपने इसमें क्या न्यू वर्ड्स, क्या नए शब्द पढ़े हैं। EARN, अर्न, अर्न मतलब मनी अर्न करना, पैसे कमाना। SIBLING, सिबलिंग, सिबलिंग होते हैं भाई बहन। SPEND, स्पेंड। TIDY, टाइडी। UN, अन। WELL, अनवेल। स्पेंड मतलब खर्च करना, टाइडी मतलब की क्लीन, और अनवेल मतलब वेल होता है अच्छा, और अनवेल जो अच्छा नहीं हो मतलब खराब। तो इसके वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। फर्स्ट वर्ड है LOVE, लव। लव का मीनिंग होता है प्रेम या प्यार, जैसे कि सभी फैमिली मेंबर एक दूसरे को लव करते हैं। केयर, केयर मतलब देखभाल करना, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं। ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे, हम ईच अदर एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे के सब काम करते हैं। वेज मतलब तरीके, जैसे आप अपने लिटिल वेज में काम करते हो, छोटे बच्चे अपने वे से अपने तरीके से काम करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्न, अर्न मीन्स कमाना, जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी फैमिली के लिए पैसे, मनी अर्न करके लाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सिबलिंग होते हैं एक माँ की संतानें, एक माँ यानी एक ही मम्मी के बच्चे, ठीक है, मतलब जैसे आप और आपके भाई बहन जिनके मम्मी और पापा सेम हैं, एक ही हैं, ठीक है, ठीके? तो आप लोग सिबलिंग हो। और जो कज़न्स होते हैं वो आपके अंकल आंटी, चाचा चाची, ताई ताऊ जी, इन सब के बच्चे होते हैं। मनी, मनी मीन्स होते हैं पैसे। टाइडी मीन्स क्लीन या साफ, जैसे क्लीन का मतलब साफ होता है वैसे टाइडी का मीनिंग भी साफ होता है। टेक केयर मतलब ध्यान रखना, और स्पेंड मतलब बिताना। आंसर दीज क्वेश्चंस, आप ये वर्ड मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड न्यू वर्ड्स लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू योर मदर एंड फादर हेल्प यू, आपके मम्मी और पापा आपकी कैसे हेल्प करते हैं। तो आपको ये बताना है किस तरह से हेल्प करते हैं मम्मी पापा, तो कैसे करते हैं, बाय कुकिंग फूड यानी खाना बनाकर, पेरेंट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं। By helping me in studies, मेरी पढ़ाई में मदद करके, help यानी पढ़ाई में, और studies help यानी मदद करना, और studies यानी पढ़ाई। Second question is how do you spend time with your sibling, आप अपने भाई बहन के साथ कैसे time spend करते हो, कैसे समय बिताते हो। तो आप इसका आंसर लिखेंगे by playing together यानी एक साथ खेल के, सभी बच्चे अपने भाई बहनों के साथ खेलते होंगे, है ना, इससे आपका जो time है वो अच्छा spend होता है। Third question is how do you help out at home, यानी आप, how यानी कैसे, do you, आप help out मदद करते हो at home घर में आप कैसे मदद करते हो, जो छोटे बच्चे हैं घर के क्या क्या काम कर सकते हैं। I water the plants, मैं plants को पानी देता हूँ। I keep my room clean, मैं अपने कमरे को साफ रखता हूँ, यानी आप ये काम भी करते हैं तो इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो क्लास मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और अच्छे से सभी बच्चों को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ये जो वर्क है आज की डेट में अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और इसको लर्न भी करना है। सब बच्चे ये वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, लिखते हुए आपको पता होना चाहिए मैंने क्या लिखा है, गॉट इट? और साथ के साथ में आप इसे लर्न भी करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।